फर्क होगी का खुफिया गैर मुल्क पास पोस्ट सामने आ गया। तहकीकत में होशरबा इंकशाफात लुटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए फर्क होगी का एक गैर मरूफ मुल्क वनुआटो का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन नाकामयाबी के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई और बिशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फरक ओकी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन ने एक और ताजर को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 दिए। तहकीकती ज़राए का बताना है कि लूटी हुई दौलत और मनी लॉन्ड्रिंग की रकम छुपाने के लिए फरक ओकी को वनुआटो का पासपोर्ट बनाकर दिया गया, जो 28 मार्च 2020 को बिशरा बीबी के हवाले किया गया। इन सब के शुक्रगुजार हैं जिन्हें यकीन हो गया है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। साथ रफीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साथ रफीक ने कहा है कि किसी को माइनस करना मुस्लिम लीग नून के एजेंडे में शामिल नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं इन सब लोगों के जिन्होंने यकीन हो गया कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। कराची में नून लीग के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साथ रफीक ने कहा है कि दहाइयों तक कराची शहर पर तवज्जो नहीं दी गई, सोचे समझे मनसूबे के तहत कराची को खंडर बना दिया गया। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि इस बार हमारा पूरा फोकस सिंध पर है। नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन का तोहफा कराची को दिया और K4 पर भी काम किया। कराची के अमन अमान की बहाली का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह निगरान वजीर आला पख्तूनख्वा मुकर्रर। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर मुशावरत के लिए CM हाउस में इजलास हुआ, जिसमें साबिक वज़ीरे आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी शरीक हुए। अकरम दुरानी का कहना था कि आज ही निगरान वज़ीरे आला के नाम का फैसला कर लेंगे, महमूद खान को कॉल कर लूँगा, मेरी बात को कोई मुस्तरद नहीं करता। CM हाउस में होने वाली मुशावरत के हवाले से साबिक वज़ीरे आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के करीबी ज़राए ने बताया कि निगरान वज़ीरे आला KP के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह के नाम पर इत्तफाक हुआ। PTI ने PDM हुकूमत की कारगर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। PTI तर्जुमान के मुताबिक PDM ने 16 माह में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। PDM हुकूमत ने 16 माह में बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए का इजाफा किया। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म कर दी और गुर्बत की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। इसके अलावा पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 122 दर्जे तक की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। जारी वाइट पेपर में PTI ने अपनी हुकूमत की 3.5 साल मआशी कारगर्दगी का जायजा भी पेश किया गया है।